Hey you beautiful people, I'm Oshin and welcome back to my channel. So by the thumbnail of a video, आपको पता चल गया होगा कि I'm gonna search myself on Google. So मैंने काफी सारे YouTubers को ये करते देखा तो काफी मजा आती है because Google में कुछ facts ऐसे डले होते हैं जो real में होते ही नहीं है. तो मैं आज अपने आप को search करूंगी and देखते हैं Google में मेरे बारे में क्या क्या facts डाला है. एंड गाइज अब से आपको मेरी वीडियो संडे को और वेनसडे को मिलेगी. अब मैं अपने वीडियोस को लेके बिल्कुल कंटिन्यूअस रहूंगी, कंटिन्यूअसली आपको मेरी वीडियोस मिलती रहेंगी. सो गाइज विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके गाइज तो सबसे पहले आप ये मुझे बताना कि ये बैकग्राउंड कैसा लग रहा है. एंड ये आपको उल्टा इसलिए दिख रहा है बिकॉज मैं अपने फ्रंट कैमरे से शूट कर रही हूँ और ये मुझे ज्यादा ईजी लगता है बिकॉज मुझे दिखता रहता है कि मैं कैसी लग रही हूँ और मैं कैसा बोल रही हूँ. तो ये मुझे ज्यादा ईजी पड़ता है इसलिए आपको ये उल्टा दिख रहा है. और प्लीज मुझे बताना इस बार मैंने जो मेरा बैकग्राउंड कलर है वो भी एकदम लाइट है बिकॉज आप ही लोगों ने सजेस्ट किया था. तो अब हम स्टार्ट करते हैं. तो जैसे ही मैंने गूगल में ओशिन पटवा डाला तो ऊपर मेरी कुछ इंस्टाग्राम फोटोज एंड वीडियोज आ रही है. फिर यूट्यूब की कुछ अभी अभी की रिसेंट की वीडियोज यहाँ पे शो हो रही है. एंड उसके बाद गाइस मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा है यहाँ पे, नो यूट्यूब हैंडल आ रहा है. एंड उसके बाद आता है विकिपीडिया. तो विकिपीडिया में मैं जाऊंगी एंड यहाँ पे लिखा ओशिन पटवा एज बॉयफ्रेंड हस्बैंड लाइफस्टाइल. तो मैं यहाँ पे जाती हूँ एंड अब हम देखते हैं कि इसमें मेरे बारे में क्या क्या लिखा है. तो फर्स्ट सबसे पहले यहाँ पे जो फोटो आई है वो केबीसी की फोटो आई है एंड मैं वही रेड कलर की मैं स्माइल करती हुई हूँ. एंड फर्स्ट चलो देखते हैं. ओशिन पटवा इज एन इंडियन यूट्यूबर एंड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर. शी गॉट फेमस फॉर बींग अ पार्टिसिपेंट ऑफ कौन बनेगा करोड़पति एंड हर निक नेम इज ओशी. नो माई निक नेम इज नॉट ओशी एंड मुझे कोई ओशी नहीं बोलता है. आई डोंट नो ये उनको कहाँ से ये चीज मिली है. नेक्स्ट ओशिन पटवा बायोग्राफी. ओके सर चलो देखते हैं मेरे बायोग्राफी में क्या है. तो रियल नेम ओशिन पटवा, देन निक नेम अगेन ओशी डाला हुआ है. एंड मेरा निक नेम अगर मैं बोलूँ तो अगर मेरी मम्मा है वो मुझे एक निकनेम से बुलाती हैं, वो है टूटुल. एंड उसके अलावा सारे लोग मुझे ओशी नहीं बोलते हैं. तो ओशी मुझे कोई नहीं बोलता है, मे बी एक दो फ्रेंड शायद बोलते हैं बट ये मेरा निकनेम नहीं है. ओके एंड गॉट फेम फ्रॉम केबीसी एंड उसका प्रोफेशन जो दिया है वो यूट्यूब एंड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर. देन अब मुझे मेरे यहाँ पे पर्सनल इन्फो दिए हैं. सो ओशिन पटवा वॉज बॉर्न ऑन 15 जून 1999. ये बिल्कुल गलत है, मेरा है 15 जून 1997. एंड ये यहाँ पे 2 साल मुझे छोटा करके दिया गया है. वैसे कोई बात नहीं, अच्छा है, मतलब लड़कियों को अपनी उम्र सही बताने में बुरा भी लगता है. तो यहाँ इसके हिसाब से मेरी जो एज है वो अभी मैं 22 years की हूँ. देन एक और चीज़ लिखी है एंड शी इज बॉर्न ऑन जबलपुर मध्य प्रदेश. ओके बट यहाँ पे एक और चीज मेंशन की गई है जो कि बिल्कुल गलत है. करंटली शी लिव्स इन हर मुंबई बेस्ड हाउस विथ हर फैमिली. मुंबई में मेरा कोई ना फ्रेंड है ना फैमिली है और ना कोई रिश्तेदार है. एंड यहाँ पे लिख दिया गया है कि मैं अभी अपने मुंबई में हाउस में रह रही हूँ, मुंबई बेस्ड हूँ, मुंबई में मेरा कोई घर है, मैं वहाँ पे रह रही हूँ. तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है, मेरा जबलपुर में ही घर है एंड बचपन से अभी तक मैं यहीं पर रह रही हूँ. So guys, Google is saying that my zodiac sign is Gemini. No, my zodiac sign is not Gemini. My zodiac sign is Taurus. And she went to St. Joseph Convent Girls School. Guys, मैं St. Joseph Convent से पढ़ी हुई हूँ but मैं girls school से नहीं हूँ. मतलब girls and boys दोनों की school थी. And she didn't go to college. यार मैं graduated हूँ. Please मुझे बदनाम मत करो. I don't know ये सब किसने डाला है and ये कौन डालता है. तो गाइज मैं ग्रेजुएटेड हूँ, मैंने बीकॉम किया है एंड यहाँ पे जो मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो हाई स्कूल पास लिखी है. नो मैं ग्रेजुएटेड हूँ. अब आते हैं मेरी फैमिली बॉयफ्रेंड एंड रिलेशनशिप पे. ओके तो देखते हैं कि ये इसमें क्या है. तो शी वॉज बॉर्न इन टू अ पुअर फैमिली. मैं पुअर नहीं बोलूंगी, आई एम फ्रॉम वेरी नॉर्मल फैमिली एंड मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ. तो मैं अपने आप को
ऐसा नहीं बोलूंगी कि मैं पुअर फैमिली से बिलोंग करती हूँ. हर फादर इज वर्किंग इन अ प्राइवेट कंपनी. नो माई फादर, मेरे पापा का खुद का बिजनेस है छोटा सा, एंड मेरे पापा कोई प्राइवेट कंपनी में काम नहीं करते. एंड हर मदर इज अ होम मेकर. सो यस, मेरी मामा हाउस वाइफ है एंड ये सही लिखा है, बट मेरे पापा का खुद का छोटा सा बिजनेस है. शी इज द ओनली किड ऑफ हर पेरेंट्स. तो गाइस ये बिल्कुल गलत है. मेरी एक छोटी बहन एंड छोटा भाई है, तो मैं अपने मम्मा पापा की एक लौती लड़की नहीं हूँ. मेरे दो छोटे भाई बहन हैं. ओके, शी इज सिंगल नाउ, थैंक गॉड. ये तो सही लिख दी है. तो शी इज सिंगल नाउ एंड डिडंट डेट एनीवन. यस, ये बिल्कुल राइट है. मैं सिंगल हूँ एंड आई हैव नॉट डेटेड एनीवन. ओके, सो नेक्स्ट है जो मेरा मैरिटल स्टेटस है, अनमैरिड. ओके गुड. एंड चिल्ड्रेन ओके नहीं है, एंड हस्बैंड भी नहीं है. ओके, अब मेरा यहाँ पे फिजिकल स्टेटस, मेरा जो यहाँ पे डिफाइन किया गया है, तो हर वेट इज 54 kg एग्जैक्टली. मतलब एग्जैक्टली तो नहीं बोलूंगी, 1 kg ज्यादा बढ़ा के बताया है. तो मेरा वेट 53 kg है एंड हर हाइट इज 5.4 inches. तो 5 feet 4 inches है, तो ये भी सही है. आई एम नॉट 5'3", आई एम बिटवीन 5'3" एंड 5'4". आई एम नॉट 5'3", आई एम मोर देन 5'3" एंड आई एम नॉट एग्जैक्टली 5'4". एंड हर आई कलर इज ब्लैक. शी डिडंट हैव एनी टैटू ऑन हर बॉडी. यस, ये एकदम करेक्ट चीज है, ये एकदम सही चीज डाली है गूगल ने. नाउ कैरियर. तो ओशी पटवा स्टार्टेड हर यूट्यूब चैनल इन 2020 एज शी अपलोड्स वीडियो ऑन इट. तो यस गाइस, मैंने 2020 में ही स्टार्ट किया था. जस्ट 2019 में मेरी लास्ट, बिल्कुल लास्ट में एक वीडियो अपलोड हुई थी. तो अगर बोला जाए तो हाँ, मैंने 2020 में स्टार्ट किया है, ये ठीक है. एंड इंस्टाग्राम पेज एज वेल इन विच शी पोस्ट हर शॉर्ट वीडियोज एंड पिक्चर्स. यस, ये राइट है. माई फेवरेट एक्टर इज आयुष्मान खुराना एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा. यस, ये बिल्कुल राइट है, ये मैंने केबीसी में मैंशन किया था. एंड फेवरेट एक्ट्रेस इज आलिया भट्ट एंड दीपिका पादुकोण. तो आलिया भट्ट जी मेरी बहुत फेवरेट हैं एंड दीपिका भी मुझे, मतलब मुझे हर कोई अच्छा लगता तो, बट दीपिका भी मुझे बहुत अच्छी लगती है. बट शी इज नॉट माई, मतलब वो नहीं होता फेवरेट वाली चीज, मतलब नहीं है. फेवरेट सिंगर शुभे नोटियाल. नो, आई थिंक ये मैंने कहीं मेंशन नहीं किया था. मतलब जुबिन नौटियाल मेरे फेवरेट सिंगर नहीं है. एंड यहाँ पे जो मेरा फेवरेट कलर दिया है वो पिंक दिया गया है. नो, माय फेवरेट कलर इज रेड एंड ब्लैक. नाउ फेवरेट डेस्टिनेशन राजस्थान. नो, नॉट एट ऑल. एंड फेवरेट फूड पिज्ज़ा, पानी पूरी, चाट. हाँ, मुझे मतलब सारे स्ट्रीट फूड्स बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर बोला जाए ना एक बहुत फेवरेट, तो वो होगा आलू का पराठा. मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. एंड फेवरेट एथलीट है MS धोनी एंड विराट कोहली. यस, करेक्ट. एंड हॉबीज है मेरी ट्रैवलिंग. या कर, ये चीज एकदम करेक्ट है. अब आती है नेटवर्थ. तो मतलब यहाँ पे इतना ज़्यादा मेरा नेटवर्थ बढ़ा दिया गया, मतलब मैं इतनी, इवन हर, मतलब क्या बोला गया है आप जरा सुनिए, हर नेटवर्थ इनकम इज 7 lakh रुपीज. नहीं, बिल्कुल नहीं. एंड शी अर्न्स मनी फ्रॉम यूट्यूब. अभी तक मेरी यूट्यूब की एक भी इनकम नहीं आई है. ब्रांड एंडोर्समेंट, मतलब मैंने आज तक यूट्यूब के लिए, मेरे को कोई भी, मैंने कभी कोलैबोरेशन नहीं किया है ब्रांड से. एंड यहाँ पे लिखा गया है कि मेरी जो नेटवर्थ है वो हर, मतलब ईयरली जो पर एनम है वो 7 lakh रुपीज है. इतना झूठ, मतलब मैं 7 lakh रुपए कमा रही हूँ साल भर में. नो, सो गाइज ये बिल्कुल गलत है. एंड अभी भी मुझे, मतलब यूट्यूब से मेरा जस्ट मोनेटाइज के बाद मेरी अर्निंग स्टार्ट हो गई है. जैसे ही वो कंप्लीट होगा एंड मेरी मेरी अर्निंग, जो फर्स्ट अर्निंग है वो आ जाएगी मेरे अकाउंट पर, बट वो अभी तक आई नहीं है. तो जब भी आएगी तो मैं आपके साथ बिल्कुल शेयर करूंगी. बट यहाँ पे गलत दिया है, 7 lakh बहुत ज़्यादा होते हैं. अभी मैं इतना बिल्कुल, अभी इवन मैं 10,000 भी नहीं कमा रही हूँ यूट्यूब से. सो गाइज, एंड शी डिडंट स्मोक एंड ड्रिंक एल्कोहल, थैंक गॉड. ये चीज़ तो सही डाली है. एंड अब लास्ट में यहाँ पे लिखा है ओशी पटवा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स. सो शी इज अ
YouTuber and vlogger from Jabalpur, Madhya Pradesh. Yes, she is a big foodie and loves to eat street food. Yes, guys, मुझे street food बहुत अच्छा लगता है. She is a travel, food and lifestyle blogger as she uploads traveling video on her YouTube channel. Yes, ये बिल्कुल सही है. She loves to do yoga. Yes, but अभी मैं बहुत दिन से अपने yoga को skip कर रही हूँ. And her favorite form of yoga is anti-aging yoga. गाइस मैं एंटी एजिंग के पोजेस करती हूँ, मतलब मैं तीन पोजेस ट्राई करती हूँ एंटी एजिंग के. बट यू नो वहाँ पे जो एंटी एजिंग की बात उखड़ी थी तो वो किस तरीके से आई थी मैं आप लोगों को बताती हूँ. जब मैं अपना पर्सनल इंटरव्यू देने भोपाल में गई थी केबीसी का, तो जस्ट मैं एंटर हुई थी एंड वहाँ पे मुझसे सबसे पहले पूछा गया था कि व्हाट्स योर एज. तो मैंने बोला था कि आई एम 24 इयर्स ओल्ड एंड उन लोगों ने बोला बट यू आर नॉट लुकिंग लाइक 24, व्हाई यू नॉट लुकिंग लाइक 24. तो दे सेड दैट यू आर लुकिंग लाइक 18 इयर्स ओल्ड गर्ल. तो मैंने बोला नहीं, मैं 24 की हूँ बट मैं एंटी एजिंग योगा करती हूँ. तो वो लोग इस चीज के, मतलब इस चीज को काफी भाव दे रहे थे कि एंटी एजिंग योगा क्या होता है. एंड ये चीज फिर लास्ट में हॉट सीट तक गई थी कि एग्जैक्टली एंटी एजिंग योगा होता क्या है. ओके, सो हर यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम हैंडल इज @OshinBhatwa. शी इज अ बिग फैन ऑफ आयुष्मान खुराना एंड एम एस धोनी, बट मैं एम एस धोनी से ज्यादा विराट कोहली की बड़ी वाली फैन हूँ. एंड शी वन 6,40,000 फ्रॉम कौन बनेगा करोड़पति एज शी डिडंट नो द आंसर ऑफ ₹12,50,000 क्वेश्चन, हेंस she quit the game. Yes, this is right. Here is a fun video of Oshin Patwa. नीचे मेरी एक वीडियो लगाई गई है and बस. So guys, इतना दिया है मेरे बारे में and बहुत सारी गलत गलत बातें दी हैं. और सबसे ज्यादा तो वो जो नेटवर्थ है वो 7 लाख दे दी गई है एंड अभी तक ऐसा कुछ नहीं है. सो काफी मजा आया मुझे ये पढ़ के. मैंने अपने घर वालों से भी ये शेयर किया था कि देखो मेरे बारे में क्या क्या लिखा गया है. सो गाइज आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ यू रियली डू सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो. सो वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन गुड बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड, बी ब्यूटीफुल, बी सेफ.